महाराजगंज जनपद के फरेंदा में हार कपाने वाली ठंड को देखते हुए सीरत एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रविवार के दिन आधारशिला वृद्धाश्रम फरेंदा में वृद्धजनों के बीच ऊनी वस्त्र वितरण एवं सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि SDM मदन मोहन वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि CEO कोमल प्रसाद मिश्र ने किया। कार्यक्रम के दौरान आश्रम में रहने वाले लगभग 70 महिला पुरुष बुजुर्गों को ऊनी वस्त्र एवं च्यवनप्राश वितरित किया गया, जिसके बाद सहभोज कार्यक्रम में सभी ने एक साथ बैठकर भोजन भी किया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस सराहनीय और प्रशंसनीय कार्यक्रम में अपने बॉर्डर न्यूज लाइव टीम के साथ। तो बने रहिए हमारे न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। दिन रविवार को हार कपाने वाली ठंड को देखते हुए सीरत एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रविवार के दिन आधारशिला वृद्धाश्रम फरिंदा में वृद्धजनों के बीच ऊनी वस्त्र वितरण एवं सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं स्वागत गीत से किया गया। जिसके बाद सीरत ट्रस्ट के अध्यक्ष शमीम असरफी ने संस्था के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस भीषण ठंड में वृद्धजनों को राहत पहुंचाने के लिए यह छोटा सा प्रयास है। भविष्य में किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर संस्था के लोग हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। मुख्य अतिथि SDM मदन मोहन वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वृद्धजनों की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, संस्था का यह प्रयास काफी सराहनीय है। CEO कोमल प्रसाद मिश्र ने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उनका सेवा ही हमारा परम धर्म है। आधारशिला वृद्धाश्रम के प्रबंधक प्रदीप कटियार ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन ध्रुव कुमार मिश्र ने किया। इस मौके पर तहसीलदार रामानुज त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी, व्यापार मंडल अध्यक्ष संतोष जायसवाल, अतीक अहमद, गौतम जोशी, राहुल त्रिपाठी, महबूब आलम, बद्रे आलम, वसीम सिद्दीकी, सुनील पांडे, जेडी खान, विंध्याचल अग्रहरी, उमाकांत विश्वकर्मा, सुरेश मोहन श्रीवास्तव, अशोक वर्मा, मेराजुद्दीन खां, संतोष लोहिया, रवि मद्देशिया, राजा वैश्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसी तरह के सराहनीय व सामाजिक कार्यों से संबंधित खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। चाहे अनचाहे जहाँ भी हो, जो इस मृत लोक में उसके ऊपर पड़ती है, उसी प्रकार से इस मंदिर से निकला हुआ आशीर्वाद आयोजन किया गया। यहाँ पर वृद्धजनों के लिए ऊनी वस्त्र वितरण कार्यक्रम, च्यवनप्राश और सहभोज का कार्यक्रम किया गया। सीरत एजुकेशनल ट्रस्ट हमेशा ऐसा ही कार्यक्रम करता रहता है और उसी के क्रम में आज यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय श्री कोमल मिश्रा CEO साहब के अगुवाई में यह कार्यक्रम हुआ गया है। आज हमारी संस्था सीरत एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट नौतनवा के सौजाने से आज आधारशिला वृद्धाश्रम फरिंदा में माननीय SDM महोदय फरिंदा, माननीय CEO महोदय फरिंदा, माननीय तहसीलदार फरिंदा, इन सब की गरिमामयी उपस्थिति में हम लोगों ने 65 बुजुर्ग जो इस आश्रम में अभी स्थान लिए हुए हैं उन सभी को गर्म वस्त्र वितरण किया गया। उन लोगों के स्वास्थ्य सही रहे उनके लिए च्यवनप्राश वितरण किया गया। फरिंदा में आधारशिला वृद्धा आश्रम करके संस्था है, यहाँ पे सीरत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जो है 60 से 65 वृद्धों को जो है गर्म कपड़े और च्यवनप्राश जो है वितरित किया गया। इसका आयोजन की सीरत एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में SDM साहब फरिंदा, श्री मदन मोहन वर्मा जी, CEO श्रीमान कोमल प्रसाद मिश्रा जी, तहसीलदार महोदय श्री रामानु त्रिपाठी जी द्वारा इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और यह कार्यक्रम पूरा सीरत एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा किया गया और यह बहुत ही शानदार था कार्यक्रम, जिसमें सभी बुजुर्ग माता पिता को गर्म वस्त्र वितरण किया गया एवं सभी को स्वस्थ रहने के लिए एक च्यवनप्राश का डब्बा भी सभी को दिया गया और उनके सदस्यों द्वारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया गया है।